यूहन्ना की तीसरी पत्री एक अध्याय एक से आठ वचन तक। यूहन्ना की तीसरी पत्री एक अध्याय एक से आठ वचन तक। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयूस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलिसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। प्रिय भाई बहनों, इधर यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना गयूस करके एक विश्वासी भाई को चिट्ठी लिखते हुए हम पढ़ते हैं। गयूस एक कलिसिया में विश्वासी था। उस कलिसिया में कोई भाई लोग यूहन्ना की तरफ से, नहीं तो यूहन्ना का जान पहचान वाले, उधर वो लोग गए मिलने के लिए, सेवकाई करने के लिए। तब गयूस उनके साथ कैसे व्यवहार किया करके वो लोग जब रिटर्न आया, वापस आए, तब वो यूहन्ना को बताए कैसे गयूस हमें इतना विश्वास योग्यता दिखाया और गवाही, क्या गवाही, सचमुच चलता है। तो वो विश्वास योग्यता के बारे में गवाही बताए, कितना वो विश्वास योग्य है, सच्चाई में चलता है, सच रीति से चलता करके उसके बारे में वो गवाही दिया। और इतना ही नहीं, कलिसिया में वो लोग गवाही दिए सबके सामने, तब गयूस के प्रेम के बारे में भी वो लोग गवाही दी। इसलिए यूहन्ना का दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे लोग करके लिखता है। शायद गयूस यूहन्ना के द्वारा प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति हो सकता है, इसलिए उनका दिल बहुत खुश हो रहा है। मैं जिसको प्रभु में लाया वो अभी कितना विश्वास योग्यता से चल रहे हैं और प्रेम में चल रहे हैं, ये मैं सुन रहा हूँ और सच्चाई के अनुसार चल रहा है, सच्चाई में चल रहा है, ये सब सुनकर वो बहुत आनंदित हो रहा है। इसलिए इस चिट्ठी में वो लिखा है। आज मैं देखना चाहती हूँ विश्वास योग्यता के बारे में, कैसे लोगों प्रभु के लिए, लोगों के लिए हम विश्वास योग्य रखते हैं। सच्चाई पर मतलब दूसरा, ऐसे हम सब प्रभु का वचन है, हम कैसे चलना है, ये सब कई चीज़ है, उसके बारे में नहीं है। लेकिन जो विश्वास योग्यता, कोई हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं, उसको, उस भरोसा को हम तोड़ने बगैर हम हमारा सब चीज़ में विश्वास योग्यता के साथ व्यवहार करने का, उसके बारे में भी, और दूसरा प्रेम के बारे में भी, प्रेम में चलना, इसके बारे में भी मैं थोड़ा ध्यान करना चाहती हूँ। प्रिय भाई बहनों, ये दोनों गवाही गई उसको मिला, वो प्रेम में चल रहा है, अन्य लोगों को भी प्रेम दिखा रहा है और भाई बहन, विश्वासी भाई बहन के साथ भी प्रेम से चल रहा है और विश्वास योग्यता से रह रहा है। ये दोनों चीज़ उनकी
अच्छी गवाही उनको मिला, कितना अच्छा है। विश्वास योग्यता बहुत रेयर है, रेयर मतलब बहुत दिखाने के लिए, दिखने के लिए अभी देखने के लिए नहीं मिलता है। मसीह लोग भी कई लोग, कितने लोग विश्वास योग्यता में रहते हैं, सच में सच बोलते हैं, जो सच्चाई में चलते हैं, बहुत कम लोग हैं। प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब चैनल सभी आया है, यूट्यूब चैनल में कभी कभी मैं गया हफ्ता में कोई थंबनेल मतलब स्क्रीन में कुछ टाइटल है, कुछ सेंटेंस है, ऐसे ऐसे इसके बारे में ये सेवक बताएंगे करके, लेकिन मतलब एक आग्रह के साथ हम खोल के सुनने के लिए शुरू करते हैं। जाते रहता है, एक घंटा होने के बाद में भी, ख़त्म होने के बाद में हम सोचते हैं ठीक है अभी बताएंगे उसके बारे में अभी बताएंगे, लेकिन बताने बगैर वो पूरा ख़त्म होता है। ये सच्चाई नहीं है, ये प्रभु का विश्वास योग्यता नहीं है। जो सुनने वालों के लिए विश्वास योग्यता दिखाने का काम ये नहीं है। कुछ ऊपर थंबनेल में कुछ आता है और उधर बताने वाला कुछ अंदर कुछ दूसरा कुछ बताते हैं। प्रिय भाई बहन, मसीह समाज में भी विश्वास योग्यता के साथ चलने वाला बहुत कम है। सचमुच में मतलब जो एक व्यक्ति को ऊपर भरोसा रख सकते हैं करके, ऐसे मसीह परिवार में भी सब लोगों को ऊपर हम भरोसा नहीं रख पाते हैं। लेकिन इधर गयूस एक विश्वास योग्य है, विश्वासी रहा, कितना अच्छी बात है। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास योग्यता में चलते हैं उस व्यक्ति परिपूर्ण आशीष पाएगा। नीति वचन में ऐसे एक वचन है। और देखिए प्रभु एक उपमान भी बताया, क्या बताए, वो एक मालिक दूर देश जा रहा है, अपने सेवक लोगों को कुछ ना कुछ थोड़े देकर जा रहे हैं, ज़्यादा किसी को ज़्यादा दिया, दूसरा व्यक्ति को भी थोड़ा ज़्यादा दिया और तीसरा व्यक्ति को थोड़ा कम दिया, ऐसे देकर जा रहा है। फिर समय खत्म होने के बाद में वापस आ रहा है वो मालिक, हिसाब किताब वो पूछ रहे हैं। तब ये तीनों अपना जो जो किया है वो हिसाब दे रहे हैं। तब प्रभु ने एक ही वाक्य बताए तीनों को, ज़्यादा दिया हुआ उस व्यक्ति को भी वही वाक्य बताया, अच्छा से तारीफ किया, अच्छा है विश्वास योग्य है वो सेवक, तुम विश्वास योग्य सेवक रहा, तुम मेरा आनंद में प्रवेश करो, मेरे राज्य में प्रवेश हो जाओ। प्रभु तीनों को सेम वाक्य बताए। हम सोच सकते हैं, किसी को कभी कभी हम सोचते हैं मैं ऐसा वो सेवक का समान नहीं हूँ, मेरे नीचे इतने सेवक लोग नहीं हैं, इतने आत्मा मेरा, मैं पास्टर हूँ लेकिन इतने लोग मेरे कलीसिया में नहीं है, कोई कोई कलीसिया में इतने हज़ारों लोग हैं, ऐसे हम सोच सकते हैं। मेरे हाथ में थोड़ा ही दिया है वो सेवक, जैसे मैं, मुझे इतना वरदान नहीं है, इतना चमत्कार करने का वरदान नहीं है, ये सब हम सोच सकते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रभु इधर क्या कहते हैं, जो तुम्हें दिया था मैं उसमें विश्वास योग्य रखना, तब मैं वापस आऊँगा, ये वाक्य बताऊँगा, जिस सेवक लोग को ज़्यादा दिया है उनको भी यही वाक्य बताएंगे, तुम अच्छा विश्वास योग्य सेवक हो, तुम मेरा आनंद में प्रवेश हो जाओ, थोड़ा दिया है उनको भी वही बताएंगे। मेन इधर क्या है, हम विश्वास योग्य रखना है। इधर गयूस विश्वास योग्य रहा। प्रिय भाई बहनों, विश्वास योग्य रखने के बारे में हम सोचने का समय में लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में एक प्रभु ने एक उपमान बताए। लूका 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उधर क्या है, एक व्यक्ति अपना मालिक का जो भी सामान है, जो भी धन संपत्ति है, उसको वेस्ट कर रहा है, विश्वास योग्य नहीं रखा, उसके बारे में बताकर 16 लूका 16 का 9 से प्रभु क्या बता रहे हैं, देखो 9 से क्या बता रहे हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि
अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासियों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्म है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठगरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। प्रिय भाई बहनों, सच्चाई था सच्चा थोड़े थोड़े से थोड़े में सच्चा सच्चाई हम कैसे दिखाना है, विशेष करके मनी मैटर्स, पैसे के मामले में। पैसा सबके लिए ज़रूरत पड़ता है, पैसे के मामले में हम बहुत सच्चा रखना चाहिए, विश्वास योग्य रखना चाहिए। हम ऐसे रखेंगे प्रभु हमारे हाथ में कई जिम्मेदारी देंगे, लेकिन थोड़े जो थोड़ा दिया है उसमें भी हम सच्चाई नहीं दिखा पाते हैं, विश्वास योग्य नहीं रख पाते हैं, तो प्रभु ज़्यादा जिम्मेदारी कैसे देंगे। आप सच्चाई से चलिए, विश्वास योग्यता से चलिए। जो आपके लिए प्रभु ने रखा है, दिया है, उस क्षेत्र में विश्वास योग्य रहिए। प्रभु इधर हम कैसे विश्वास योग्य रहते हैं उसके अनुसार प्रभु अनंत काल में हमारे लिए प्रतिफल देंगे। प्रकाशित वाक्य में ऐसे एक वचन है, प्रकाशित वाक्य 17:14, प्रकाशित वाक्य 17:14 में एक वचन है, 17:14 में एक वचन है, उसमें क्या है, मसीह विरोधी प्रभु के विरोध में युद्ध करेगा, तो प्रभु आकर उससे युद्ध करेंगे। 17:14, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। इधर देखिए, तीन ग्रुप के बारे में, तीन गुण के बारे में लिखा है, बुलाए गए और चुने हुए, बुलाए गए लोग, चुने हुए लोग और विश्वास योग्यता से रखने वाली एक झुंड, तीनों गुण के बारे में लिखा है। हम कई लोग अभी देखिए, अभी YouTube में कई संदेश है, बुला रहा है यीशु, कोई भी दुनिया में कितने बिलियन लोग हैं, वो लोग सुसमाचार सुनना चाहेंगे तो वो लोग खोलेंगे, उधर YouTube में है सुसमाचार। क्या है, प्रभु का बुलावट, प्रभु यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से, प्रभु सबको बुलाते हैं, आओ उद्धार पाओ, अनंत जीवन पाओ। लेकिन जो बुलाए गए लोग में भी कोई कोई लोग प्रभु को चुन लेते हैं, मैं आ रहा हूँ प्रभु, आपको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, वो लोग चुने हुए लोग हैं, वो लोग उसके बात में भी, चुने हुए लोग प्रभु के बच्चे लोग बनने के बात में भी, उसमें से विश्वास योग्यता से जीने वाले बहुत कम हैं। हम उसको तुच्छ नहीं गिनना चाहिए, विश्वास योग्यता को प्रभु बहुत महत्व देते हैं। प्रिय भाई बहनों, अब देखते हैं, अब प्रेरितों का 5वां अध्याय में अननिया सफिरा के बारे में, वो लोग किसी कोई भी उनको ज़बरदस्त नहीं किया, जमीन को बेचो सब मेरे हाथ में दे दो करके कोई प्रेरित उनको नहीं दिया, बोले ज़बरदस्त नहीं किया, अपना आप वो लोग निर्णय लिया, जमीन बेचे और थोड़ा भाग अपना लिए लेके रखे, वो लोग आकर बोल दिया हम सब कुछ दे दिया, विश्वास योग्य नहीं रखे, दोनों मर गए। आज ऐसे करेंगे तो कितने लोग मरेंगे, लेकिन प्रभु ऐसे मारते नहीं हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए ऐसे रखा गया, अननिया सफिरा का कहानी, प्रभु सबको मारेंगे तो अब कोई बच नहीं पाएंगे, लेकिन विश्वास योग्य रखना हमारे जीवन में। हम देखिए, हम उद्धार पाने के पहले हम अविश्वासी थे, तब कोई भी हमसे भलाई के लिए अपेक्षा नहीं करते थे, ये अविश्वासी है, सब दुष्ट लोग है दुनिया में, पापी थे, हम भी पाप करते थे, अन्याय रीति से हमका सब कुछ करते थे, प्रेम नहीं दिखाते थे, विश्वास योग्यता नहीं दिखाते थे,
कुछ बोलते थे कुछ करते थे। प्रभु ऐसे अविश्वासी जब रहे तब चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम विश्वासी बन गए तब विश्वासी बनने से हम गवाही दे रहे हैं कलीसिया में, परिवार में, मैं प्रभु का बच्चा बन गया हूँ, तब सब लोग तुरंत आपसे एक विश्वास योग्यता को, तब विश्वास योग्यता की अपेक्षा करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, आप प्रेम दिखाएंगे, सच्चाई में चलेंगे, ऐसे सब आपसे गवाही आपसे वो लोग चाहते हैं, ये प्रभु का बच्चा इसलिए ऐसा करके। हम कुछ बोलेंगे कुछ दूसरा कुछ करेंगे ऐसे नहीं रह पाएंगे, जो हम बोलते हैं वो करना है। पैसे के मामले में विश्वास योग्य रखना है, झूठ नहीं बोलना है, भाई लोगों के साथ प्रिय भाई बनो, ये बहुत विश्वास योग्यता बहुत बहुमूल्य चीज़ है। हम एक बार एक सेवक को प्रभु ने एक दर्शन दिखाया, आत्मा में प्रभु उनको लेके गए और वो कोई दर्शन देखा, उस दर्शन में कोई जगह में एक न्याय स्थल जैसे था, उसमें कोई पुराना नियम के भक्त लोग बैठे हुए थे, पिता परमेश्वर बैठा हुआ था और पुत्र यीशु मसीह बैठा हुआ था, और एक जगह में शैतान और उनके साथ कोई बड़े बड़े नरक में कोई बड़े बड़े उनके गिरे हुए स्वर्गीय दूत भी थोड़े लोग बैठे थे, और उधर एक तराजू बैलेंस, हम चीज़ों को वेट करते हैं ना, एक किलो दो किलो ऐसे, वो एक तराजू रखा था, उधर एक साइड में एक स्वर्गीय दूत सेवक को प्रभु दिखा रहे, एक साइड में दुनिया का, दुनिया में पूरा प्रभु के बच्चों लोग के विश्वास योग्यता प्रार्थना और जो भलाई वो सब जो प्रभु के बच्चे लोग जो जो कर रहे हैं वो एक साइड में, स्वर्गीय दूत एक पाउडर जैसे डालते गया वो एक साइड में, और दूसरा तराज में अगले भाग दूसरा भाग में दुनिया का सारी बुराई और बहुत विश्वासघात और हथियार जो जो पाप है वो सब डालते गया। लेकिन ये डालते डालते ये सेवक देख रहा है जो इस साइड में जो भलाई प्रभु के बच्चे लोग की विश्वास योग्यता भलाई प्रेम अच्छा काम ये सब थोड़ा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वेट ज़्यादा है, ये नीचे आ रहा है, ये पूरा दूसरा तराज में दूसरा साइड में इतना दुनिया का पाप इतना डाला है फिर भी वो ऊपर ही गया। फिर शैतान आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे वो पूछने लगा। तब एक स्वर्गीय दूत ने इस सेवक को विवरण से बताया, ये सेवक भी आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो रहा है, इधर एक साइड में थोड़ा ही है लेकिन वो इतना दुनिया के इतने बड़े बिलियन बिलियन लोग पाप कर रहे हैं, उस पापों से ये वेट ज़्यादा है, ये भारी है, ये उत्तम है, कैसे। तब स्वर्गीय दूत ने बताया, देखो हमेशा भलाई हमेशा ज़्यादा ताकतवर है, भलाई करना विश्वास योग्यता दिखाना प्रेम दिखाना ये सब बहुत ज़्यादा उनके लिए महत्व है, इसलिए थोड़ा एयर इधर रखा तो वो भी ये साइड भारी हो गया, दुनिया में इतना पाप सब दुष्ट क्रिया उसको इतना ज़्यादा रखेंगे तो भी वो उसमें कुछ दम नहीं है, ऊपर ही जा रहा है। प्रिय भाई बहनों ऐसे ही हमारा जीवन में प्रभु ऐसे ही देखते हैं, दुनिया में देखे एक रूम में एक घोर अंधकार है लेकिन उसमें एक मोमबत्ती लेके आएंगे तो भी वो मोमबत्ती का उजाला पूरा रूम को रूम का अंधियारों को मिटाएगा, एक छोटा सा मोमबत्ती है। वैसे ही आपका जीवन में जो विश्वास योग्यता से आप जिएंगे वो प्रभु के लिए बहुमूल्य है, अनंत काल की वो प्रभाव वो आपका जीवन के लिए वो लेके आ सकता है, इसलिए गई उसके लिए वो पहले वाला वो विश्वास योग्यता। दूसरा क्या है, प्रेम दिखाना। अब देखिए दुनिया में जो प्रभु से प्रेम पाते हैं प्रभु का प्रेम को समझते हैं वो लोग दूसरों को प्रेम दिखा पाते हैं। फरीसी लोगों के बारे में देखिए वो लोग क्या किया, विधवा लोगों को घरों को वो लोग लूटा और बड़ी बड़ी बोझ को बड़ा बड़ा बोझ को लोगों के ऊपर रखा लेकिन वो लोग थोड़ा उंगली से भी नहीं उठाते थे। फरीसी लोग लोगों को कठोर रीति से वो लोग व्यवहार करते थे, एक सबत का दिन एक को चंगाई करने के लिए भी वो लोग के लिए मन नहीं है, वो बीमारी में मरने दो
लेकिन सबत का दिन चंगाई नहीं करना है। ऐसे आज भी ऐसे होता है जो धर्म के विषय में मैं अपना अपना धार्मिकता के ऊपर अपना अपना भलाई में ऐसे भलाई किया, ये किया, वो किया, इसलिए मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूँ, प्रभु मुझे ज़्यादा प्रेम करेगा, ऐसे सोच के जो जो अपने क्रियाओं से धर्मी बनने के लिए, प्रभु के पास निकट जाने के लिए, प्रभु का प्रेम को पाने के लिए जो जो चाहते हैं वो लोग हार जाएंगे। और वो लोग कभी भी सच्चाई प्रेम गयुस जैसे अजनबी लोगों को भी, भाई लोगों को भी सच्चाई प्रेम दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बदले जो जो प्रभु के बच्चे लोग प्रभु का प्रेम को जान लिया, कितना अनुग्रह प्रभु मुझे दिखाया, मैं ना लायक हूँ, फिर भी प्रभु मुझे मेरे पापों को अपना पुत्र के ऊपर डालकर उसका धार्मिकता को मुझे दिया। यीशु मसीह का धार्मिकता के द्वारा ही मैं पिता परमेश्वर के समूह में स्वीकार किया हुआ हूँ, इसलिए मेरा धार्मिकता नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं पाप में न बने रहे, नहीं, मैं धर्मी हूँ, इसलिए मैं धार्मिकता का काम करना है। वो मैं पहले बोली, वो तराजू में वही पवित्र लोगों की प्रार्थना ये सब इतना भारी रख रहा है, वो आपको करना है। लेकिन आपका खुद का धार्मिकता से, खुद का भलाई, पुण्य यात्रा, उपवास, एक जो वो त्याग करना, वो करना, ये करना, उसके द्वारा आप प्रभु का प्रेम को कभी नहीं पा पाएंगे। प्रभु अपना अनुग्रह से यीशु मसीह का अंदर हमें प्रेम दिखाया, हमें स्वीकार किया, इसलिए हमेशा ये हम याद रखेंगे, प्रभु मुझे एक मुझ पापी का ऊपर प्रेम किया, प्रभु मुझ पापी है, मेरे लिए मेरा अंदर कितना कम्युनिकेटिंग है, उसके बावजूद भी प्रभु मुझे स्वीकार किया, प्रेम किया, धर्मी बनाया, तब मेरा भाई बहन को मैं प्रेम करना है, मेरे भाई बहन को मैं सहनशीलता दिखाना है, उनको स्वीकार करना है, माफ़ करना है। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ जानवसली समान, जानवसली वो एक बड़ा सेवक, वो एक बार गली में जा रहा था, तब वो उसके आगे एक पियाकट ऐसे अच्छा से पी कर चल के चल कष्ट उठा के चल के चल के ऐसे जा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, तब जानवसली बोला, ओ देखो वही जानवसली है, प्रभु मुझे कृपा देकर अपना प्रेम से मुझे उद्धार नहीं किया तो ओ जानवसली वही मैं ही हूँ, मतलब मैं भी ऐसे हो सकता था, ना सोच सकता था, लेकिन प्रभु मुझे प्रेम दिखाया, प्रभु मुझे अनुग्रह दिखाया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोग हम, प्रभु का प्रेम पाए हुए लोग मसीह के अंदर हम दूसरों को भी प्रेम दिखाएं, गयुस जैसे दूसरों को भी प्रेम दिखाने के लिए सीखेंगे। एक कोरिन्थी 13वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 10वां वचन में, सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। सर्व सिद्ध क्या है? प्रेम है। हम प्रेम में चलते रहेंगे, सिद्ध होते जाएंगे, कोई भी सिद्ध नहीं बना अभी तक, हम सिद्ध होते जा रहे हैं। प्रेम प्रेम हमें सिद्धता के ओर लेके जाएगा, इसलिए वो हमेशा हमको याद रखना है। मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, कलीसिया में प्रभु मुझे पास्टर का मिसिस मुँह में कलीसिया में कितने नया भाई बहन लोग, भाई लोग, जवान बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग, कितने लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं, तब मैं वही यही सोचती हूँ, प्रभु मेरे जीवन में कई गलतियाँ थी, अभी भी है, फिर भी आपका प्रेम मुझे दिखाया, अनुग्रह से मुझे स्वीकार किया, इसलिए मैं भी प्रेम दिखाऊंगा, माफ़ करूंगी, वो लोग को स्वीकार करूंगी, वो लोग को समय दूंगी, और भी उनको सहलूंगी करके वापस कलीसिया के भाई बहन लोग के साथ जो कभी कभी गलती करते हैं उनको भी प्रेम करने के लिए यही मनोभावना आप रखेंगे, आप प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो फरीसी समान, मैं एक पास्टर का मैसेज हूँ, मैं एक सेवक हूँ, मैं इतना 45 साल से प्रभु उसके अंदर चल रहा हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये लोग सब कुछ नहीं है, ऐसे आप सोचेंगे आप कभी भी दूसरों को प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रभु का प्रेम कैसे परिस्थिति में आपको आपकी ओर आया, अभी भी आप कैसे परिस्थिति में हैं, फिर भी प्रभु आपको प्रेम कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं, उसको हमेशा आप पाते रहेंगे, उस मनोभावना में आप रखेंगे, हमेशा दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं अन्य लोगों को भी। ये कोई भी पियाकट भी हो, जानो इसलिए समय बोलता है ना, पियाकट कोई जा रहा है, कोई पापी लोग हैं, उनके साथ भी प्रेम से व्यवहार करने के लिए हम सीखें। प्रिय भाई बनो, ये सब चीज़ें हम करें, एक अच्छी गवाही हम पाएँ, भाई लोगों से, कलीसिया में, हमारा अड़ोसी पड़ोसी से, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ प्रभु में आशीष करें। आमीन।